यू आंटी, आपने तो मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया, जैसे जैसे कोई अपना ही हो। मुझे जानना है माना, मेरे बच्चों के यादों में मेरी छवि कैसी है। अर्चना, मुझे मेरी बेटी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए ये तुम मत सिखाओ, और ऐसे भी ये हमारा आपसी मामला है, तुम इससे दूरी रहो। हेलो अर्चना, डीके बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। आज शाम को मानव की बर्थडे पार्टी में तुम आ रही हो ना? मैं गाड़ी भेज देता हूँ। साहब मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं पार्टी में नहीं आ रही हूँ। सर दरअसल बात यह है कि आप अभी अभी आए ना, तो शायद आपको कुछ पता नहीं, लेकिन अब मेरे और मानव के रिश्ते में पहले जैसा कुछ नहीं रहा। सब कुछ बदल गया, अब हमारे रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, और मैं नहीं चाहती हूँ सर कि हम ऐसे रिश्ते जुड़े जिससे कि जाते वक्त ज्यादा तकलीफ हो, इसलिए। कह चुकी है अपनी बात, अब मैं बोलूं? देखो अर्चना, तुम कोई पराई नहीं हो, तो मानव से जुड़ने या ना जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तुम लोगों का रिश्ता इतना पुराना है, इतने साल से है, आज तक कायम है। सर लेकिन फिर भी आप मुझे क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने हमेशा अच्छे बुरे में मानव का साथ दिया है, तो अगर बुरे वक्त में साथ दे सकती हो तो खुशी के वक्त क्यों नहीं? साहब मेरी बात समझ नहीं रहे, अब मानव मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानते। अगर मैं वहां आई तो मानव को अच्छा नहीं लगेगा, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती किसी भी वजह से। अब ये तुमसे किसने कह दिया? अर्चना पिछले 18 साल में मैंने मानव की आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार देखा है। जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आता है उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, मगर जब तुम्हारे सामने आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है उसे। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन तुम आओगी तो मुझे खुशी होगी। मानव के लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए तो आओ, आके एक नजर देखो तो सही उसे। सर तेजू भी मुझसे उतनी नफरत करती है जितनी की शायद मानव। मैं तेजू की बात नहीं कर रहा हूं, ओवी। ओवी? सर ओवी यहां पर आई है? ये तो सरप्राइज है, तुम वहां आओ और खुद देखो। अर्चना तुम आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओवी I think कुछ प्रॉब्लम है। I'll just check. Hold on. Yeah. अरे अर्जुन सर कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ पहुंच जाना चाहिए था, मैं फोन करके देखती हूँ। हाँ पुनीत ताई, पूर्वी कहाँ पहुंची है तू? वो एक्चुअली ताई हमारी कार खराब हो गई है, मैकेनिक को बुलाया है, अभी देखो क्या प्रॉब्लम है। पूर्वी फिर तुम लोग आओगे कैसे? वो ताई देखते हैं, या तो कोई टैक्सी वैक्सी लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। वैसे तुम लोग हमारा वेट मत करना, हाँ तुम लोग आगे निकल जाना, हमें शायद और लेट हो जाए। पूर्वी अर्जुन सर है ना तेरे साथ? हाँ हाँ ताई वो मेरे साथ है, तू टेंशन मत ले। ठीक है ठीक है, जैसे तू वहाँ से निकले मुझे फोन करके बता देना। हाँ ताई तू मेरी फिक्र मत कर, लेकिन हाँ तुम लोग हमारा वेट मत करना, ठीक है आगे निकल जाना, क्योंकि अगर हमें लेट हो जाएगी तो एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए ना जो वहाँ जाके रिपोर्ट कर ले। ठीक है हाँ चल बाय। बैड न्यूज़ पूर्वी, गाड़ी को ठीक होने में काफी देर लगेगी, सो ही इज टेकिंग इट टू द गैराज। आई होप वी डोंट गेट लेट। हाँ अर्चु, मैंने तेज को तो मना लिया है मानव की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, लेकिन मुझे तेरी चिंता हो रही है। आई मुझे पता है कि तेजू भी वहाँ आ रही है, मैंने सचिन की बातें सुन ली थी जब वो तेजू को इनवाइट कर रहा था, और आई वैसे भी मैं भी उस पार्टी में जा रही हूँ। क्या तू भी वहाँ जा रही है और फिर तेज भी वहाँ होगी तो फिर? आई मैं जानती हूँ,
लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी एक बेटी के लिए वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन अब मुझे अपनी दूसरी बेटी के लिए वहां जाना होगा। अच्छा, क्या मतलब? हमारी ओवी भी वहां? हाँ आई शायद ओवी भी वहां ही है। मुझे डीके सर बोल रहे थे कि वहां ओवी भी आई। ऐसे भी तो हो सकता है कि शायद यही वजह हो कि मानव ना चाहते हो मेरा वहां। सच कहूं तो मैं भी नहीं चाहती थी कि तू वहां जाए। पहले ही तो इतना अपमान सह चुकी है और फिर आई तक जो कुछ भी हुआ है मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि गलती मेरी भी। आई 18 सालों में मेरी बेटियों को जो बताया गया उन्होंने वो मान लिया। आज उनके लिए वही सच है। उन्हें आधा सच तो पता ही नहीं, तो इसमें उन दोनों की क्या गलती है? अरे लेकिन इसमें तेरी भी तो कोई गलती नहीं है अर्चू। मैं पिछले 18 सालों से तुझे देख रही हूँ, तू अपने बच्चों के प्यार के लिए कितनी तड़प रही है। तो फिर क्यों उनका गुस्सा सह रही है, क्यों उनकी नफरत सह रही है? आई देख, तकलीफ दोनों को हुई है, मुझे भी और मेरी बेटियों को भी। अब इसके लिए ना तो वो जिम्मेदार है ना मैं, इसके लिए हालात जिम्मेदार है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सोचने की बजाय मैं अपनी बेटियों के बारे में सोचूं। इसलिए मैं पार्टी जा रही हूँ। लेकिन आई प्लीज, तू मुझसे नाराज मत होना, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, तो प्लीज मेरी चिंता मत करना। ठीक है अर्जुन, तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। अपनी बेटी को देखने के लिए तो तू इतना तड़प रही है, मैं तुझे कैसे रोक सकती हूँ? लेकिन देख, तू अपना ख्याल रख, अपने आप को तकलीफ मत दे, क्योंकि जब तुझे तकलीफ होती है ना तो मेरा दिल रोता है। आई तो प्लीज मेरी चिंता मत कर, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। चल अब मैं रखती हूँ, बाय। You okay? Just careful, careful. चूड़ियां
साहब जी ये पगड़ी पहनकर फोटो खिंचवाओ ना, फोटो अभी निकल जाएगी तुरंत। थैंक यू साहब जी, खिंचवाओ ना, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे मेरे पास कैमरा है, थैंक यू, मुझे फोटो की जरूरत नहीं है। एक फोटो खिंचाते हैं ना। साहब जी खिंचवा लो, बहुत अच्छी लगेगी साहब जी। अभी ये वो इसमें फोटो दोस्त पूर्वी ये ओ माय गॉड ये बहुत बड़ा है पूर्वी, दिस इज वेरी वेरी चुके। हाँ दोस्त एक फोटो खींचे ना। ओके या मिम साहब, ये रही आपकी फोटो। वो बहुत बहुत खराब लग रहा है ना। ओके ओके ठीक है दोस्त, ये पकड़ो और एक बिना इसके। हाँ सर, जिंदगी में ऐसी खुशियां जब भी मिलती है ना, उन्हें जी लेना चाहिए। लाइफ में पता नहीं ऐसी खुशियां कभी आए ना आए, और अगर आए तो पता नहीं कब आए। मैं चेंज करके आती हूँ। Yes, I understand. Yes, okay. Sir, thank you, sir. Thank you so much for such a lovely party. Thank you किस बात का भाई? तुम्हारी सालगिरह है। Many many happy returns the day, man. Thank you, sir. दादा, happy birthday. Thank you, Vandu. सुमानव, तुम्हें अरेंजमेंट कैसा लगा? भाई तुमने कहा था कीप इट सिंपल, तो हमने बहुत सादा सा रखा। लेकिन सर आपने जो भी अरेंजमेंट्स किए ना, बहुत अच्छे किए। आपकी सिंपल सी पार्टी में भी ना डीके स्पेशल लाविशनेस नजर आ रहा है। वंदिता, मानव मेरा सबसे अच्छा और ऑनेस्ट हार्डवर्किंग एम्प्लॉय रहा है, और इसकी खूबी यह है कि करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद इसके पैर हमेशा जमीन पे रहे, एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम स्पेशल। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तारीफ उन्हीं लोगों की जाती है जो तारीफ के काबिल हो। राइट, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सर। कम लेट्स हैव अ लुक एट द केक। जन्मदिन की बधाई हो। थैंक यू सो मच, एंजॉय द पार्टी। तेजू, हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ज्यादा देर आपसे नाराज नहीं रह सकती, आप तो जानते हैं। मैं तुमसे इस तरह से विशेष नहीं लूंगा। बाबा मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, एंड बाय द वे ये मैंने अपनी हर साल पॉकेट मनी बचा के नहीं खरीदा है, ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है आपके लिए। कैसा है? बहुत अच्छा।
एक मिनट जस्ट ओ शिट मैं पानी लाता हूँ छोटे जरा पानी लाना जल्दी जस्ट मिनट वो मत खाओ जस्ट अरे जल्दी लाना एक सेकेंड पानी एक्सक्यूज मी जस्ट या जल्दी बड़ा जल्दी एक सेकेंड I'm sorry. You okay? तुम ठीक हो? थोड़ा और पी लो. Just have some more. You okay? ये डिकरा डिकरी में कितना प्यार है ना? जब प्यार नया नया होता है ना, तो ये छोकरा लोग अपनी गर्लफ्रेंड को पलकों पे बिठा के रखते हैं. लेकिन शादी के बाद सब बदल जाता है. Excuse me, uncle. I'm really sorry, लेकिन आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है. ही इज माई बॉस और मैं इनकी एम्प्लॉय. दैट्स इट. ओ आई एम सॉरी. ये पूर्वी भी ना पता नहीं कहां पहुंची है. अब तक फोन नहीं आया उसका. मैं ही फोन करके देखती हूँ. हाँ ताई. पूर्वी कहाँ पहुंचे हो तुम लोग? तुम लोग को कोई लिफ्ट मिली क्या? नहीं ताई. वो एक्चुअली मैकेनिक कार रिपेयरिंग के लिए गैराज ले गया है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं. क्या? और ये तो मुझे आप बता रही है. तू पहले फोन नहीं कर सकती थी मुझे? सॉरी ताई, वो टेंशन में ना. सर, आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई है. गुड. हमारी गाड़ी रिपेयर हो गई. कैन वी गो? लेट्स लीव पूरी. थैंक यू सर. थैंक यू. कम, लेट्स गो. ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ? जिस परिवार की खातिर अर्चना को डिवोर्स दे रहा हूं मैं, मेरा वो सारा परिवार आज मेरे साथ, और फिर भी मैं खुश नहीं. क्यों इतना रेस्टलेस फील कर रहा हूं? कुछ तो मिसिंग है. लेकिन क्या?